इस गाड़ी देख लो यार, बिल्कुल साइलेंट है। गाड़ी चला के देख रहे हैं भाई, बिल्कुल साइलेंट है और आवाज नहीं आ रही। गाड़ी चालू है ये देखो यार, इलेक्ट्रिक कार का ना भाई फीलिंग अलग। और ये भाई जब चलती है तो यार लोग वाकई में पूछते हैं यार, काफी यूनिक कार है। तो जी मेरे दोस्तों, कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि भाई गाड़ी देख लो यार, मतलब समझ में नहीं आई गाड़ी कौन सी है। मैंने भी यार पहली बार देखी थी ना भाई, दिल ले गई थी गाड़ी, क्योंकि यार ऐसी जो गाड़ियां है ना यार रोडों पे बहुत कम दिखती है अक्सर। भाई जिस बंदे की गाड़ी है ना, मैं इस गाड़ी के ओनर से आपको मिलवाऊंगा, इसके सारे फीचर्स दिखाऊंगा। और भाई गाड़ी देख लो यार, पहले ये देखो गाड़ी यार, क्या मतलब एक मिस्टर बीन वाली गाड़ी होती है ना, लाइक ऐसी गाड़ी दिख रही है। और यार मेरे को समझ भी नहीं आया कि गाड़ी कौन सी है। तो भाई इस गाड़ी के ओनर से मैं मिला, काफ़ी अट्रैक्टिव गाड़ी लगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कार है, तो भाई बिगर किसी देरी के गाड़ी के ओनर को बुलाते हैं और मैं मिलवाता हूँ गाड़ी के ओनर से कि भाई गाड़ी कौन सी है और इलेक्ट्रिक कार है। तो भाई आप ये लगा लो, उसका सब कुछ दिखाऊंगा इस गाड़ी के ओनर जो इस गाड़ी को चलाते हैं। तो भाई अंकल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना टाइम निकाला और हमें इस वीडियो के लिए आपने जो टाइम दिया। आप सबसे पहले अपना नाम बता दो, नाम क्या आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। तो मतलब गाड़ी तो कुछ अलग ही है, ऐसी गाड़ियाँ ना अक्सर रोडों पर मैं देखता हूँ बहुत कम मिलती है। दूसरी गाड़ी देखता हूँ अपना और किसी एक और देखता हूँ। अच्छा, और बाकी वर्कशॉप में ही मुझे एक दो गाड़ियाँ दिखती है। और नहीं, काफी मतलब ये लगा लो गाड़ी काफी अट्रैक्टिव सी है, छोटी सी गाड़ी है और ये लगा लो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक कार है तो यार ये गाड़ियाँ ना मतलब ये लगा लो भाई रोडों पे ना बहुत कम दिखती होगी। और गाड़ी दिखा देता हूँ आपको, गाड़ी देखो मतलब कुछ ज्यादा ही अलग लेवल की है। अब एक चीज और बता दो, ये गाड़ी है कौन सी? गाड़ी है अच्छा, महिंद्रा की E2 रेवा। तो महिंद्रा ने ऐसी गाड़ी में बनाई थी, वो भी इलेक्ट्रिक में? हाँ, ये 2014 में निकाली थी, 14-15 में मुझे दिखी थी मेरे बॉस को, तो उन्होंने पहली बार इन्होंने अच्छा अच्छा किया, उनको अच्छी लगी। 2014 मॉडल है गाड़ी का है? 2015 में हमने परचेस की है। अच्छा, 2015 मॉडल है गाड़ी का, 14 में लॉन्च करी थी, 14 में मैंने को दिखी थी, फिर 15 में। तो भाई देख लो यार, ऐसी गाड़ी है ना मतलब रोडों पे बहुत कम दिखती है, काफी अट्रैक्टिव सी है। और ये मैं आपको ये देखो फ्रंट में मैं दिखा देता हूँ, फ्रंट हमारा ऐसा है, फ्रंट देख लिया आपने। अब मैं आपको अगर इसके हम हेडलैम्प्स की बात करते हैं ना, हेडलैम्प्स में भाई हमें ये वाली जो लाइट है ना, ये हेलोजन मिल जाती है, प्रोजेक्टर प्लस LED मिलता है इसमें, साइड में हमें इंडिकेटर मिल जाता है। और ये देखो भाई, कुछ साइड से जो हमारी गाड़ी लगती है वो इस तरीके की लगती है। यहाँ पर हमें ORVMs के नीचे दिख जाएगा पावर्ड बाय रेवा, रेवा की वेजिंग मिल जाती है हमें यहाँ पर। और यार ये देखो भाई, एक डोर है भाई इसका, पीछे से मैं दिखाऊंगा आपको अंदर का कुछ इंटीरियर इस तरीके से, बाकी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। तो मतलब 4 से 5 बंदे गाड़ी मंगल जी आराम से बैठ जाते होंगे वैसे? 4 बंदे बैठते हैं, वक्त पड़े तो 5 बैठ जाते हैं। अच्छा, मतलब 4 से 5 बंदे गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्या बात। और ये देखो भाई, मतलब एक दो ही इसमें डोर है, ये भी काफी यूनिक चीज है। और पीछे से देख लो भाई, पीछे से कुछ इस तरीके की दिखती है। ये देखो यहाँ पर हमें महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है, जैसे कि बताते हैं महिंद्रा की गाड़ी अपनी E2O का बैजिंग है। और भाई ये देखो, इलेक्ट्रिक कार है अपनी भाई, पूरी प्योर इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल 100%। क्या बात भाई, सारी चीजें बताएंगे, गाड़ी कितने की थी, माइलेज क्या देती है गाड़ी। तो बिगर किसी देरी के, अब अंकल जी एक बात बताओ मेरे को, ये जो गाड़ी आप चला रहे हो, कब से चला रहे हो गाड़ी? मैं 2015 से चला रहा हूँ। कोई दिक्कत लगी अब तो गाड़ी में? ऐसी दिक्कत आती है, छोटी मोटी दिक्कत, छोटी मोटी देखो जब रोड पे चलती है तो दिक्कत तो आती है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार है इसकी। अच्छा, पूरी फाइबर बॉडी है, फाइबर बॉडी है टोटल, ये वाली है अंदर से चेचिस है। हाँ, पूरी बॉडी फाइबर की है। अच्छा, जैसे नॉर्मल गाड़ी में तो लोहे की अपनी आती है, ये पूरी फाइबर है, फ्रंट टू एंड, पूरी फ्रंट टू एंड फाइबर, ये अपना बोनट भी, सब कुछ फ्रंट टू एंड फाइबर। भाई ये यार गाड़ी मतलब कुछ अलग ही, अलग लेवल की गाड़ी है। और उसके वाइपर भी देख लो आप, मतलब एक ऐसे दोनों एक साइड के नहीं है इसके वाइपर भी। तो ये लगा लो गाड़ी कुछ अलग है, ग्रिल में महिंद्रा की बैजिंग मिलती है सामने भी। तो इस गाड़ी की जो मतलब अब माइलेज दे रही है, ये जिस टाइम कंपनी हमें परचेस किया था उस टाइम हमें बताया गया था कि 100% फुल चार्ज में 120 की आपको। अच्छा, अगर मतलब नॉर्मल 60 की स्पीड, 70 की स्पीड, नॉर्मल स्पीड आप चलाते तो 120 किलोमीटर चल जाती है वन टाइम चार्ज पे, फुल पे 5 घंटे उस टाइम लगता था, तो 4 घंटे में हो जाती है, क्योंकि ये 7 साल पुरानी कार है। 7 साल पुरानी, तो 7 साल पुरानी गाड़ी है। और देखो मेंटेन क्या कर रखी है, मतलब 0 स्क्रैचलेस गाड़ी है इनकी, प्योरली मेंटेन कर रखी है गाड़ी। और भाई 5 फ्यूल टोन मिल जाता है हमें, ऊपर की जो छत है वो वाली ब्लैक मिलती है, बाकी पूरी जो है वो व्हाइट मिल जाती है हमें। ORVMs पे भी हल्का हल्का सा हमें यहाँ पर मिक्स मिल जाता है, यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आ जाता है। डोर हैंडल्स है, डोर हैंडल्स भी हमें यहाँ पर ब्लैक मिलते हैं, यहाँ पर क्रोम मिल जाती है पूरी भी, आप मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये गेट नहीं है यहाँ पर, ये देखो डोर, तो भाई सिर्फ गाड़ी में दो ही हैं बस, अंदर के इंटीरियर पे भी चलेंगे।
तो उस टाइम पे चलती थी, तो फिर अब कितने चल जाती होगी? जैसे मतलब गाड़ी 7 साल पुरानी है, तो 7 साल पुरानी है, हमें ये 90-95 के आसपास 100% चार्जिंग में चल जाता है, क्योंकि बैटरी 8 साल की वारंटी, 8 साल की वारंटी, हाँ 7 साल हो गया, तो इसके हिसाब से बैटरी का जो चार्जिंग कैपेसिटी होता है वो भी कम हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं गाड़ी जब 7 साल बता रहे हो आप उस हिसाब से, तो मतलब 4 से 5 मिनट तो आराम से आ जाते होंगे गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होता है कि जब ज्यादा लोग बैठते हैं तो हल्का थोड़ा सा स्पीड का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि माइलेज भी निकालना है आगे। हाँ, क्योंकि आगे माइलेज निकालना है। पेट्रोल में जैसे ज्यादा खाता है, इसमें तो डीजल पेट्रोल है नहीं ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिक है ही खाएगी। तो जिस हिसाब से आपको, हम घर से जब निकलते तो हमें पता था कि आज हमें यहाँ जाकर वापस भी आना है, तो उसी हिसाब से आप जाते हो, अपनी मर्जी से प्लानिंग चेंज करते हैं रास्ते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बिगर किसी देर का अंकल अंदर के इंटीरियर की ओर चलते हैं। इंटीरियर देखो यार, ऐसी महिंद्रा की जो गाड़ी है ना, आपको अक्सर सड़कों पर बहुत ही कम मिलती होंगी, बहुत रेयर मिलती होंगी। यार मेरे को भी बहुत अट्रैक्टिव लगी जब मैंने देखी, यार इतनी छोटी सी गाड़ी है, और मतलब ये लगा लो वन टाइम फुल चार्जिंग बना 120 किलोमीटर की माइलेज बता रहे हैं। क्या बात, मतलब 120 किलोमीटर गाड़ी निकाल देती है, और की देख लो की इस तरीके की मैं मिलती है यहाँ पर, महिंद्रा की बैजिंग है। अगर हम बात करें, ये हमारा बूट स्पेस है, ये हमारी ऑन ऑफ के आ जाती है, जैसे ये देखो, ये भाई क्या बात, मतलब यार गेट को ओपन करते हैं और दिखाते हैं मतलब व्यूअर्स को। तो भाई यार ये देख लो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यार इतनी छोटी सी गाड़ी, और फीचर गाड़ी के अंदर इतने है ना भाई, ऑटोमेटिक है जी, हाँ भाई ऑटोमेटिक ही है। यहाँ पर हमें पुश स्टार्ट का बटन मिल जाता है यहाँ पर हर हल्के से। अगर अंकल पीछे जाना हो तो पीछे कैसे जाएंगे इसमें, ये और बताओ। पुश बटन है, अच्छा यहाँ से ये लो, यहाँ से मतलब ये लगा लो, यहीं से हमें अंदर जाना है। यार अंकल देख लो कितने हेल्दी हैं, एक बंदा आराम से आ गया, और मैं आपको दिखाता हूँ बैठ के, यहाँ मैं बैठ गया। तो गाइस ये देखो मैं बैठ गया यहाँ पर, और मतलब अंडर था स्पेस है अपना, यहाँ देखो इतना स्पेस बच रहा है हमें, यहाँ पर मैं बैठ गया, और देखो यार हेडरूम मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है, और दो बंदे अपने आ जाते हैं हमारे आगे, तो आगे का दिखाता हूँ मैं स्पेस। भाई ट्रिम डोर की बात करें, ट्रिम डोर हमें कुछ इस तरीके से मिलता है यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें मिल जाती है फाइबर की फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पर हमें क्रोम वाला हैंडल मिल जाता है, और इसकी जो भाई एक चीज और है इसमें पावर विंडो मिलती है। मैं पावर विंडो को मैं दिखा दूंगा, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ नहीं आता, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पर आता है। तो गाड़ी के अंदर एक बार बैठते हैं, गाड़ी के अंदर ये देखो मैं बैठ गया भाई। बैठने के बाद ना मतलब स्पेस देख लो कितना स्पेस है, दोनों साइड और पीछे की साइड भी इतना स्पेस है ना गाड़ी के अंदर, सब कुछ मेरे को तो ओके लगा। यार एक फीचर और दिखाता हूँ मैं, जब तक हम इसकी की को पास नहीं ले जाएंगे ना तो भाई चालू नहीं होगी। यहाँ से मैंने बटन दबा दिया, और ये देखो यहाँ की लेके गाड़ी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। अभी गाड़ी ऑन है अंकल, तो भाई गाड़ी ऑन है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने गेट किया बंद, अभी ये देख लो भाई कहीं से भी आपको इतनी सी भी आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंट है। और एसी जब अंकल चलता होगा, एक बार एसी ऑन करो गाड़ी का, एसी वाली भी दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी एसी नहीं चल रहा गाड़ी का। नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ होती हैं, एसी चलता है तो थोड़ी आवाज़ करती हैं। ये देखो भाई एसी चलने पर इतनी आवाज़ आ रही है खाली, अगर एसी ना चले ना तो भाई बिल्कुल प्योर साइलेंट है। इसके नीचे कोई बैठा भी हो ना कोई तो भाई पता नहीं चलेगा, क्योंकि भाई गाड़ी मतलब साइलेंट ही अलग लेवल की साइलेंट है, पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी ऑन भी है कि ऑफ है। तो भाई ये भी मतलब महिंद्रा की छोटी सी गाड़ी है E2 रेवा, लेकिन भाई गाड़ी यार मतलब महिंद्रा वालों ने ऐसी गाड़ियाँ भी बनाई, और इतने तगड़े तगड़े फीचर दे रखे हैं इस गाड़ी में। कॉस्टिंग में बताऊंगा भाई, उस टाइम पे जो 2015 में जब इन्होंने ली थी तो उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, पहले अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई अब देख लो गाड़ी हमारी स्टार्ट, जब हम अंदर बैठते तो इस तरह का हमें स्टेयरिंग मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उसका जो मीटर होता है, मीटर में हम देख लो, आप सबसे पहले देख लो यहाँ पर, ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर कि कितनी चार्ज है, तो 63% चार्ज है, और ये दिखा रहा है कि हमें मतलब 63% में चलेगी कितनी, तो 55 किलोमीटर चलेगी। तो अंकल ये इसकी दोनों कैपेसिटी बताती है, मतलब 63 में 55 किलोमीटर चलेगी। तो इसको 40 की रेंज में ले जाएंगे तो अभी 70-80 किलोमीटर और चल जाएगी। अच्छा जी, 40 की स्पीड चलाएंगे, 40 की स्पीड चलाएंगे तो मतलब स्पीड का भी अलग हिसाब होता है, बिल्कुल इसके साथ सेट करना पड़ता है। स्पीड अगर जितनी तेज चलाओगे तो उतनी मतलब बैटरी ज्यादा पिएगी और रेंज कम आएगी, जितनी इसको नॉर्मल चलाओगे तो उतनी ही मतलब बैटरी बेसिक रेंज अच्छी मिल जाती है हमें। तो भाई क्या बात, और हमें यहाँ पर महिंद्रा ने मतलब बढ़िया टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी है, यहाँ पर हमें एसी मिल जाते हैं बढ़िया, और एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं 4x4 इंडिकेटर। और ये देखो भाई मैं आपको बता रहा था ना कि इसकी पावर विंडो कहाँ आती है, इसकी पावर विंडो में यहाँ मिलती है, ये देखो यहाँ से बंद यहाँ से चालू पावर विंडो भाई, और फुल्ली ऑटोमेटिक है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है यहाँ पर हमें, और यहाँ पर हमें USB का वो मिल जाता है ऑप्शन, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऑक्स है और USB है। यहाँ पर भी हम अपना ग्लास व्लास मतलब रख सकते हैं, दोनों साइड में बटन होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पर हमें क्लॉप बॉक्स में दिखाते हैं, क्लॉप बॉक्स में भी यार स्पेस काफ़ी बढ़िया है इसमें, क्लॉप बॉक्स में ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी सी गाड़ी तो स्पेस नहीं देंगे, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ये देखो भाई ये जो गाड़ी है ना, ये इसमें सारी चीज़ें बता देता है, यहाँ पर मेन्यू में आ जाते हैं, मेरा ऑप्शन इसमें सारे हैं, रेडियो चलते होंगे ना ये गाड़ी तो रोड पे पूछते होंगे यार ये कौन सी गाड़ी आ गई महिंद्रा वालों की। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन लोग
रास्ते में नहीं पूछते कि ये कौन सी गाड़ी है, कितने में खरीदी है। और भाई एक बात हो रहा है, वैसे गाड़ी ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है यार मेरे को भी। मैंने जब देखी ना गाड़ी तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी मेरे को यार। मैं कह रहा गाड़ी कौन सी यार। मैंने भी जैसे अंकल ने बताया रस्ते में पूछते हैं भाई मेरे को, लिटरली अंकल रस्ते में मिले तो मैंने बोला गाड़ी कौन सी है, कह रहा बेटा देख लो महिंद्रा की है, महिंद्रा ने तो ऐसी गाड़ी कहीं बनाई नहीं। तो अंकल ने फिर बताया एक दिन मिलो मेरे को, मैं उसके बाद मैंने प्योरली पूछा देखा इस गाड़ी को, तो अंकल ने बताया कि भाई महिंद्रा की गाड़ी और ऐसी गाड़ी है। तो मतलब अब तक जो गाड़ी चला रहे हो 7 साल हो गए चलाते, तो मतलब मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है। प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसका बोनट तो ओपन होता होगा, वैसे मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल, तो मैं ये पार्ट्स नहीं भाई। गाइस मैं बता रहा हूँ यार ये गाड़ी मैंने देखी पहली बार है, बहुत कम रेयर केसेस मिलते हैं ऐसी गाड़ी मिलती है, मैंने पहली बार ही देखी है। मैं दिखाता हूँ उसका बोनट, बोनट ओपन करते हैं गाड़ी का। ये देखो ये है भाई इलेक्ट्रिक कार का, वो यहाँ पे स्टेपनी भी हमें आगे मिल जाती है, एरी स्टेपनी आगे मिल जाती है। या इसमें क्या बैटरी है हमारी है? नहीं इसमें फ्यूज, इन फ्यूज है सारे इसमें। अच्छा इसमें फ्यूज होते हैं। और भाई तो उसके फ्यूज है। अच्छा अच्छा फ्यूज है। हाँ पानी वॉशर, ये पानी वॉशर आ गया इसमें। तो भाई स्टेपनी यार ये देख रहे हो, मतलब प्रेशर दिया हुआ है जो नीचे है, नीचे एसी का जो आवाज कर रहा है। ओहो आवाज यार गाइस ये देख लो यार, मतलब स्टेपनी नॉर्मल पीछे थी लेकिन इलेक्ट्रिक कारों में स्टेपनी होती है अपनी आगे। अब यार कई लोग बोलते हैं इसकी बैटरी कहाँ होगी, तो मैं बैटरी बता दूं, इसकी बैटरी जो होती है ना वो हमें यहाँ पर मिलती है। ये देखो यहाँ पर, हाँ वो नीचे ही मिलती है। और यार बूट स्पेस दिखा देता हूँ मैं गाड़ी का, बूट स्पेस भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो यार मतलब अलग ही लेवल की गाड़ी है कुछ ये बूट। ये देखो गाइस पीछे से हमें ऐसी लगती है डूल टोन में मिलती है, ऊपर से हमें जो इसकी रूफ टॉप है ना वो ब्लैक मिलती है पूरी। ये देखो भाई ये भी ना मतलब पूरी नहीं खुलती है, यहाँ से हमने खोला ये सिर्फ इतनी खुलती है, E2O तक खुलती है। और ये देखो इसका चार्जर, ये इसका चार्जर है। ये देखो ये इसका चार्जर काफी हैवी है इसका, कहीं तो भी लगा सकते हो एसी वाले पॉइंट में। तो इसमें कहीं ये कहीं भी लगा सकते हैं, घर में हम चार्ज करते हैं और कहीं नहीं जाना पड़ता। अच्छा जी ये इसका ऑप्शन होगा जहाँ ये लगता होगा, बिल्कुल ये सामने है, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। अच्छा इसमें भी यही दे रखा है ये। तो यार बूट स्पेस भी मतलब जिस हिसाब से गाड़ी है ना, बूट स्पेस भी उस हिसाब से काफी ज्यादा अमेजिंग है इसका। ऐसा नहीं है कि यार गाड़ी छोटी है तो बूट स्पेस भी छोटा, मतलब यार जिस हिसाब से गाड़ी है उस हिसाब से बूट स्पेस है। मतलब अपना अगर एक बंदे के लिए ना अंकल गाड़ी बहुत काफी ज्यादा बढ़िया है जी, एक बंदा आओ इस गाड़ी में कुछ भी रख सकता है। और ये देखो भाई बूट स्पेस में डिग्गी है और काफी ज्यादा हल्की है, बहुत ज्यादा हल्की है। तो यार ऑटोमेटिक लिखा हुआ है और भाई नीचे पीछे यार मतलब चीज ही अलग है। अब मेन जो बात आती है ना यार कॉस्टिंग की बात आती है, कॉस्टिंग भी बताएंगे आपको। मेन जो बात आती है ना गाड़ी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लोग पूछते भी होंगे जैसे कि आपने बताया भाई पूछते हैं। मेन उस टाइम पे गाड़ी आई कितने की थी? उस टाइम ये 8 लाख के लगभग पड़ी थी हमें, 2015 में, 2015 में, लेकिन उसमें से दिल्ली सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी दी थी। सब्सिडी तो 8 लाख मतलब वही आपको 6.5 की पड़ गई थी। यार 6.5 लाख रुपए में भाई साहब 8 लाख की आ रही 2015 में, तो डिस्कंटिन्यू भी कर दिया जैसे कि आप बता रहे हो। तो इसके जो पार्ट्स होंगे काफी रेयर होते होंगे जो मिलते होंगे, जब भी वर्कशॉप जाती है उनसे काफी लड़ना पड़ता है, बैंगलोर में उनके ऑफिस है वहाँ से ऑर्डर लाना करना और मेंटेन रखना बहुत बहुत काफी मतलब कैड़ा काम हो जाता है। जिस तरीके से आप गाड़ी देख रहे हो एक एक चीज हमें रोज रास्ते से लेके गाड़ी, मेरे को गाड़ी बहुत यूनिक लगी। और मतलब भाई बहुत छोटी गाड़ी और फीचर इतने सारे हैं ना इसके अंदर, बहुत ज्यादा फीचर है। तो भाई 6.5 लाख रुपए में पड़ती थी, मतलब यार इस टाइम पे ना एक अल्टो आ जाती है। और उस टाइम पे इनको एक इलेक्ट्रिक कार मिल रही थी जो कि वो तो सब्सिडी मिल गई थी, तो उस टाइम पे 8 लाख की पड़ती थी, सब्सिडी के बाद इन्हें 6 लाख की पड़ती थी। तो भाई अगर गाइज आपको ऐसी गाड़ियां देखनी है और ऐसी नई नई वीडियोज देखनी है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, गाड़ी पसंद आई हो तो दोबारा से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और भाई वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। टाटा बाय बाय।